नमस्कार दोस्तों हरे कृष्ण राधे राधे दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों कार्तिक के महीने में रोज़ाना तुलसी मैया का सुबह शाम पूजन कैसे करें वो भी आसान विधि से तो आज की वीडियो में आप ये सब जानेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए कि आपके पास तुलसी मैया हो यानी तुलसी मैया का जो पौधा होता है वो आपको कार्तिक मास शुरू होने से पहले ही उगा लेना है और अगर आपके यहाँ पिछले साल की तुलसी मैया हैं तो बहुत अच्छी बात है तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको जो तुलसी मैया का गमला है उसको साफ़ कर लेना है और तुलसी मैया को भी स्नान करा देना है क्योंकि तुलसी मैया के पत्तों के ऊपर जो धूल जमा हो जाती है वो पानी से स्नान कराने से जो है निकल जाती है और तुलसी मैया बहुत सुंदर लगने लगती हैं और दोस्तों सुबह के समय हम यहाँ पर सबसे पहले भगवान विष्णु के आगे यानी लड्डू गोपाल जी के आगे दिया प्रज्वलित कर देते हैं अगर आप घी का दिया लगाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है घी अगर आपके पास उपलब्ध हो शुद्ध देसी घी तो आप शुद्ध देसी घी का दिया लगाएं और अगर आपके पास शुद्ध देसी घी नहीं है तो आप जो आपके पास उपलब्ध हो तेल आप उसका दिया लगा सकते हैं लेकिन मन में भाव जरूर रखें क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो देव होते हैं जैसे भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ जी कार्तिकय भगवान इन सभी देवताओं के आगे जो है गोलबत्ती वाला दिया लगाएं क्योंकि गोलबत्ती वाला दिया जो है देवताओं को प्रिय होता है और जो लंबी बत्ती वाला दिया है वो देवियों को प्रिय होता है जैसे माता लक्ष्मी जी तुलसी मैया अम्बे मैया तो देवियों को आप लंबी बत्ती वाला दिया और देवताओं को जो है गोलबत्ती वाला दिया आप लगाएं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने शुद्ध देसी घी का दिया लगा लिया है और लंबी बत्ती वाला दिया लगाया है क्योंकि तुलसी मैया माता लक्ष्मी का स्वरूप है और यहाँ पर हमने गमले को भी अच्छे से साफ कर दिया है और अब हम पूजा कर लेते हैं दोस्तों तुलसी मैया के पूजन से पहले या फिर कार्तिक मास शुरू होने से पहले आपको जो है गमले को अच्छे से साफ कर देना है और तुलसी मैया को भी डेली या फिर एक दो दिन छोड़ के आपको नहलाते रहना है क्योंकि तुलसी मैया के पत्तों के ऊपर जो धूल जमा हो जाती है वो नहलाने से दूर हो जाती है और तुलसी मैया बहुत सुंदर लगने लगती है तो ये देखिए यहाँ पर मैंने घी गर्म कर लिया है और देसी घी का जो है दिया प्रज्वलित कर दिया है दोस्तों अगर आपके पास देसी घी उपलब्ध है तो आप देसी घी का दिया लगा सकते हैं और अगर नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दिया लगा सकते हैं और दोस्तों कार्तिक माह में तुलसी मैया के डेली पूजन के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो जल चाहिए सबसे पहले और अष्टगंध और हल्दी चावल और कुमकुम और रोली आप चढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आपके यहाँ आप पिछले साल की तुलसी मैया है जिनका आपने विवाह कर दिया है तो आप उनको रोली कुमकुम सिंदूर चढ़ा सकते हैं और अगर विवाह नहीं किया है इसी साल तुलसी मैया उ हैं तो आप उनको रोली कुमकुम ना चढ़ाएँ और जब देव उठनी एकादशी आए तो उस दिन आप तुलसी मैया का विवाह करके शालीग्राम भगवान के साथ तो कुमकुम सिंदूर अर्पित कर सकती हैं दोस्तों तुलसी मैया के डेली पूजन के लिए हमें चाहिए हल्दी अष्टगंध कुमकुम चावल मौली चुन्नी और धूप दीप और भोग तो ये हमें चाहिए और एक लोटा जल चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने माता को जल अर्पित कर दिया है आप देख सकते हैं साथ में ही सालीग्राम भगवान को भी जल अर्पित कर दिया है और यहाँ पर हम तुलसी मैया को तिलक कर देंगे हल्दी अष्टगंध से कुमकुम -कुम से रोली चावल से मौली से और दोस्तों अगर आपके यहाँ विवाहित तुलसी मैया नहीं है यानी पिछले साल की तुलसी मैया नहीं है तो आप कुमकुम -कुम ना लगाएँ सिंदूर ना लगाएं और अगर विवाहित हैं तो आप हल्दी अष्टगंध कुमकुम और सिंदूर अर्पित कर सकते हैं माता को तो यहाँ पर मैंने हल्दी अष्टगंध कुमकुम लगा दिया है माता को मौली चढ़ा दी है और ये देखिए यहाँ पर हम शालिग्राम भगवान को भी चढ़ा देंगे दीप हमने प्रज्वलित कर दिया है सबसे पहले और अगरबत्ती लगा दी है आप अगरबत्ती की जगह धूपबत्ती भी लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर हम पुष्प चढ़ा देंगे यानी फूल चढ़ा देंगे जो भी फूल आपके यहाँ उपलब्ध हो जो भी फूल आपके पास हो आप वो फूल तुलसी मैया को शिक्राम भगवान को चढ़ा दीजिए तो यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए हैं तुलसी मैया को शिक्राम भगवान को भोग लगा दिया है और ये देखिए यहाँ पर जो दिया है आप उसकी पूजन भी कर सकते हैं तो दोस्तों दिया को आप पहले भी रंग सकते हैं या फिर जब पूजन करें तुलसी मैया का तो उस समय भी आप तिलक कर सकते हैं यानी दीपक का पूजन कर सकते हैं दिया का पूजन कर सकते हैं और जो तुलसी मैया का जो गमला है तुलसी मैया का जो बिरचा है उस पर आप स्वास्तिक जरूर बनाएँ और कुमकुम -कुम या हल्दी की या फिर अष्टगंध की बिंदियाँ जरूर रखें और दोस्तों पूजन करते समय आपके मन में जो है जो भी आपको मंत्र याद है वो आप उच्चारण करते रहिए और तेज भी कर सकते हैं आप मन में भी कर सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से जो है मंत्र उच्चारण करते रहिए और पूजन करते रहिए और दोस्तों तुलसी मैया के आगे आप कार्तिक महत्व का अध्याय भी पढ़ सकते हैं कार्तिक में जो कहानियाँ सुनी जाती हैं वो कहानी पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमने जो है तुलसी पूजन कर दिया है और तुलसी पूजन के बाद हम तुलसी जी की आरती कर देंगे दोस्तों तुलसी मैया के पूजन के बाद आप तुलसी मैया के आगे बैठकर जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तुलसी मैया के जो एक सौ नाम हैं उनके नामों का जप कर सकते हैं और अब हम तुलसी मैया जी की आरती कर देते हैं ये देखिए इस प्रकार से तो दोस्तों कार्तिक माह में सुबह के समय तारों भरी रात में यानी जब तारे उगे रहें ब्रह्म मुहूर्त में तो अगर आप तुलसी मैया जी का पूजन करते हैं तुलसी मैया के आगे दीपदान करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करती हैं। और दोस्तों शाम के समय पूजा इतनी लंबी नहीं रहती है शाम के समय माता के आगे यानी तुलसी मैया के आगे सिर्फ घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करना रहता है आरती करना रहता है माता की शाम के समय माता को जल नहीं चढ़ाना रहता है पूजा नहीं करनी होती है उनकी आप सिर्फ घी का दिया या फिर तेल के तेल का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं माता के आगे और या फिर घी या तेल का तेल ना हो आपके पास तो आप जो भी तेल अवेलेबल हो जो भी उपलब्ध हो आपके पास आप उसका दिया प्रज्वलित कर सकते हैं लेकिन मन में भाव जरूर रखें और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है अगर एकादशी है तो आप तुलसी मैया का पूजन ना करें उनको जल अर्पित ना करें और अगर रविवार है तो भी आप पूजन ना करें और रविवार के दिन आप शाम के समय तुलसी मैया के आगे घी का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं लेकिन आप पूजन ना करें और एकादशी के दिन भी आपको पूजन नहीं करना है तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार